सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें, लेकिन केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनको पढ़ने के लिए भेज देने से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, और ऐसा अक्सर होता है। मैं अक्सर ये देखता हूं कि 12th पास करने के बाद भी ICSE और CBSE स्कूल्स के बच्चे, जहां पर कि इंग्लिश का उनको माहौल भी मिलता है स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर पे उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में बात करना सीखें और आज के कंपटीशन के टाइम पे वो भी कहीं ना कहीं कामयाब हो पाए, तो इसके लिए आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स करने चाहिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपको अपने बच्चों के साथ बोलने चाहिए डे टू डे लाइफ में, जो यूज होते हैं, और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें जो वो हिंदी में बोलते हैं उन्हें वो इंग्लिश में बोलने की भी कोशिश करें। इस तरह से उन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आ पाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे और बड़े थोड़ा जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूं। आप उन्हें ध्यान से देखिए, समझिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए और उनके साथ यूज भी करिए और उनको भी बोलिए कि वो भी यूज करें, तभी वो इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखिए, और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए कहां पर रखे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेटा मिट्टी में मत खेलो, बेटा मिट्टी में मत खेलो। यहां पर बेटा मतलब बेटा या बेटी नहीं है, आप अपने बच्चों को इस तरह से बोलते हैं, चाहे उसका नाम लेते हैं चाहे बेटा बोल देते हैं। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बेटा डोंट प्ले इन द मड, अयांश गंदी बात नहीं बोलते, अयांश डोंट टॉक नॉनसेंस। घर पर जो भी आए उसे नमस्ते बोलो, से नमस्ते टू एनीवन हु कम्स होम। पापा को बुला लो, कॉल योर डैड, पापा से पूछ लो, आस्क योर डैड। पहले होमवर्क उसके बाद गेम, फर्स्ट होमवर्क देन गेम्स। मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी नॉनसेंस ऑफ यू। बस तुम पहले होमवर्क निपटाओ, जस्ट डू द होमवर्क फर्स्ट। मम्मी मुझे पानी दे दो, मम्मी गिव मी वॉटर प्लीज। मम्मी मैं अभी खेल रहा हूं, मम्मी आई एम प्लेइंग राइट नाउ। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। मम्मी मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मम्मी माई होमवर्क इज डन। दौड़कर मत आओ, डोंट कम रनिंग। बेटा दौड़ो मत, ठोकर लग जाएगी। बेटा डोंट रन, यू विल स्टम्बल। आपने अंकल को नमस्ते बोला? डिड यू से नमस्ते टू अंकल? आपने अंकल को नमस्ते क्यों नहीं बोला? वाई डिडंट यू से नमस्ते टू अंकल? आपने आरोही को हाय बोला? डिड यू से हाय टू आरोही? आपने आरोही को हाय क्यों नहीं बोला? वाई डिडंट यू से हाय टू आरोही? बेटा किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाते, बेटा डोंट मेक फन ऑफ एनीवन। हर किसी में कुछ अच्छी बात है कुछ बुरी, एवरीवन हैज समथिंग गुड एंड समथिंग बैड। हर किसी की इज्जत करो, रिस्पेक्ट एवरीवन। अच्छा ये बताओ, पहले होमवर्क करोगे खाना खाओगे? वेल टेल मी वन थिंग, यू विल डू होमवर्क फर्स्ट और ईट? मम्मी भूख लग रही है, मम्मी आई एम फीलिंग एपेटाइट। मेरा पेन कहाँ है? वेयर इज माई पेन? कौन सा वाला? विच वन? हरा वाला, ग्रीन वन? वो वाला तो मैंने देखा नहीं, पर नीला वाला यहां है। आई डिडंट सी दैट वन बट ब्लू वन इज हियर। मेरे जूते कहाँ हैं? वेयर आर माई शूज? कौन से वाले? विच वंस? आपने यहां पर देखा मैंने वंस कहा, पहले मैंने क्या कहा था? वन। पेन के केस में वन कहा था, यहां पर वंस कहा, क्योंकि जूते एक से ज्यादा हैं। जब प्लूरल की बात हो जो एक से ज्यादा है तो ऐसे में वंस कहा जाता है। काले वाले, ब्लैक वंस? वो वाले तो मैंने देखे नहीं, पर सफेद वाले यहां हैं। आई डिडंट सी दोज वंस बट व्हाइट वंस आर हियर। धूप सेक लो, बास्क इन द सन। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। जूते उतार लो, टेक ऑफ योर शूज। शर्ट पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। शर्ट उतार लो, टेक ऑफ योर शर्ट। सुबह हो गई है, फटाफट उठो, इट्स मॉर्निंग, वेक अप फास्ट। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। तेज बोलो, स्पीक क्विकली।
धीमे बोलो यानी कि अपनी आवाज को कम करो, कीप योर वॉइस लो, ऊंचा बोलो यानी कि अपनी वॉइस को बढ़ा लो, स्पीक लाउड, अपने बाल बना लो, कॉम योर हेयर, मैं भी साथ चलूं, मे आई कम अलोंग, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऐसी बात नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट, मेरा मन नहीं कर रहा होमवर्क करने का, आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग होमवर्क, मेरा मन नहीं कर रहा खेलने का, आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग, मेरा मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, आई एम नॉट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, या फिर इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं, व्हाट्स द मैटर, जरा मैं तैयार हो लूं, लेट मी गेट रेडी, उसकी नाक बह रही है, हिज नोज इज रनिंग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं आयांश, आई एम आस्किंग यू समथिंग आयांश, कुछ तो बोलो, चुप मत रहो, से समथिंग, डोंट कीप क्वाइट, फटाफट कर लो होमवर्क फिर खेल लेना, फिनिश द होमवर्क क्विकली एंड देन प्ले, गेम कहीं नहीं जा रहा है चिंता मत करो, गेम इज गोइंग नो वेयर, डोंट वरी, यशी दीदी और अर्णवी दोनों भी यही हैं, यशी दीदी एंड अर्णवी बोथ आर हियर ओनली, क्या तुम्हारे पास मेरा मोबाइल है, डू यू हैव माई मोबाइल, आप मुझसे बड़े हो, यू आर एल्डर देन आई, तुम मुझसे छोटे हो, यू आर यंगर टू मी, आप मेरे सबसे बड़े भाई हो, यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो, यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, उसका नाम क्या है, व्हाट्स हिज नेम, अगर कोई लड़का है तो हिज, वरना हम कह सकते हैं व्हाट्स हर नेम, मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग, मैं खेल खेल के थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग, पापा सोए हुए हैं, डैड इज अस्लीप, इस टेबल पर क्या है, व्हाट्स ऑन दिस टेबल, उस टेबल पर क्या है, व्हाट्स ऑन दैट टेबल, टेबल से कप उठाओ, टेक द कप फ्रॉम द टेबल, ये मेरे बच्चे हैं, दीज आर माई चिल्ड्रन, या फिर दीज आर माई किड्स, वो मेरे बच्चे हैं, दोज आर माई चिल्ड्रन, या दोज आर माई किड्स, ये मेरी बिल्ली है, दिस इज माई कैट, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, टेबल से मोबाइल उठाकर देना, गिव मी द मोबाइल फ्रॉम द टेबल, मम्मी रोहन के साथ खेलने जाऊं, मम्मी डू आई गो एंड प्ले विद रोहन, उसे बोल दो, टेल हिम, दौड़कर ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स रनिंग, नीचे आओ, कम डाउनस्टेयर्स, दौड़कर नीचे आओ, कम डाउनस्टेयर्स रनिंग, सीधे होकर बैठो, सिट अपराइट, शाबाश, वेल डन, नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, तुम्हारा कौन सा वाला पेन है, विच वन इज योर पेन, तुम मेरी छोटी बहन हो, यू आर माई यंगर सिस्टर, हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, बेटा अपना ध्यान रखना, बेटा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मम्मी नल में पानी नहीं आ रहा है, मॉम वॉटर इज नॉट कमिंग इन द टैप, लाइट चली गई है, लाइट इज गॉन, या फिर पावर इज गॉन, आपने खाने में क्या बनाया, व्हाट डिड यू कुक इन द फूड, ये वाला, दिस वन, वो वाला, दैट वन, इसे करो, डू इट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, जाकर खेलो, गो एंड प्ले, एक निवाला खा लो, ईट अ बाइट, एक घूंट पी लो, हैव अ सिप, या फिर ड्रिंक अ सिप, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कार से आराम से उतरो, गेट ऑफ द कार कंफर्टेबली, कार में आराम से चढ़ो, गेट इन द कार कंफर्टेबली, सीढ़ी से आराम से उतरो, गेट डाउन द स्टेयर्स कंफर्टेबली, सीढ़ी में आराम से चढ़ो, गो अप द स्टेयर्स कंफर्टेबली, बाइक से आराम से उतरो, गेट ऑफ द बाइक कंफर्टेबली, बाइक में आराम से चढ़ो, गेट ऑन द बाइक कंफर्टेबली, आपने नोटिस किया होगा कि सीढ़ी में चढ़ने की बात हुई तो गो अप कह दिया, कार में चढ़ने की बात हुई तो गेट इन कह दिया, और बाइक में चढ़ने की बात हुई तो गेट ऑन कह दिया, एक्चुअली यही कारण है कि इंग्लिश को हम थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि यहां पर हर चीज को बोलने का तरीका एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता है, इसे साफ करो, क्लीन इट, बिस्तर गंदा मत करो, डोंट मेक द बेड डर्टी, चादर गंदी मत करो, डोंट मेक द बेड शीट डर्टी, जूते लेकर बिस्तर पर मत जाओ,
डोंट गो ऑन द बेड विद शूज। चलो एक गेम खेलते हैं, कम ऑन लेट्स प्ले अ गेम। आसपास रहना, बी अराउंड, या फिर इस बात को कह सकते हैं स्टिक अराउंड। पापा फोन पर बात कर रहे हैं, पापा इज टॉकिंग ओवर द फोन। आज हम सब दादाजी के घर जाएंगे, टुडे वी ऑल विल गो टू ग्रैंडपास हाउस। आज हम सब दादाजी के यहां जाएंगे, पहले मैंने क्या बोला घर जाएंगे, अब बोल दिया यहां जाएंगे, यानी जहां वो रहते हैं वहां जाएंगे। टुडे वी ऑल विल गो टू ग्रैंडपास प्लेस। बेटा पानी की बोतल भर दो, बेटा फिल द वॉटर बॉटल। जूते लेकर अंदर मत आओ, डोंट ब्रिंग द शूज इनसाइड। भाई को कहना अंदर मत आओ, टेल योर ब्रदर नॉट टू कम इनसाइड। भाई को कहो बाहर मत जाओ, टेल योर ब्रदर नॉट टू गो आउटसाइड। अमन भाई से लड़ाई मत करो, अमन डोंट फाइट विद योर ब्रदर। टीवी दूर से देखो, वॉच द टीवी फ्रॉम डिस्टेंस। मम्मी जी आज आलू के पराठे बना दो, मॉम प्लीज मेक पोटैटो पराठास टुडे। पापा ने आज खेलने से मना किया है, पापा हैज टोल्ड मी नॉट टू प्ले टुडे। पढ़ाई कर लो फिर खेलने चले जाना, डू स्टडी देन गो टू प्ले। अपनी मैथ्स की बुक निकालो, टेक आउट योर मैथ्स बुक। मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन। मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। घर पर बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड सिटिंग एट होम। एक ही गेम खेल खेल के मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड प्लेइंग द सेम गेम। मुझे 5 रुपए वाली चॉकलेट चाहिए, आई वॉन्ट अ 5 रुपीज चॉकलेट। मुझे 10 रुपए वाली चॉकलेट चाहिए, आई वॉन्ट अ 10 रुपीज चॉकलेट। उसने मुझे डंडे से मारा, ही हिट मी विद अ स्टिक। हमने आज बाहर डिनर किया, वी हैड डिनर आउटसाइड टुडे। बेटा ठंड में बाहर मत जाओ, बेटा डोंट गो आउट इन द कोल्ड। मैं अपने बच्चे को नहला रही हूं, आई एम बेदिंग माई बेबी। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मैं फिसल गया, आई स्लिप्ड। मुझे रास्ते में कुछ पैसे मिले, आई गॉट सम मनी ऑन द वे। मुझे सलाह मत दो, डोंट गिव मी एडवाइस। अपनी कमीज का बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट। बेटा खिड़की बंद कर दो, बेटा क्लोज द विंडो। इसे वापस दे दो, गिव इट बैक। 6 बजे तक घर आ जाना, कम होम बाय 6 o'clock। मुझे बता देना, लेट मी नो। इधर पलटो जरा, टर्न अराउंड हियर। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। इस तरफ से, फ्रॉम दिस साइड। उस तरफ से, फ्रॉम दैट साइड। जवाब दो, गिव मी आंसर। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे अपने बच्चे को कहते हैं ना जवाब दो, तो हम कह सकते हैं टेल मी। तुम वहां किसके साथ थे, विद हुम वर यू देयर। तुम वहां किसके साथ खेल रहे थे, विद हुम वर यू प्लेइंग देयर। आज घर में लाइट नहीं है, देयर इज नो लाइट इन द हाउस टुडे। या फिर देयर इज नो पावर इन द हाउस टुडे। पापा टीवी नहीं चल रही, पापा टीवी इज नॉट रनिंग। पापा केबल नहीं आ रहा, पापा केबल इज नॉट कमिंग। बेटा फूल मत तोड़ो, बेटा डोंट प्लग द फ्लावर। बेटा खिलौने मत तोड़ो, बेटा डोंट ब्रेक द टॉयज। खेलने के लिए कोई है ही नहीं, नोबडी इज देयर टू प्ले विद। इसे बदल लो, चेंज दिस। इसके बदले दूसरा दे दो, गिव मी अनदर वन इंस्टेड। गलती से टूट गया, एक्सीडेंटली ब्रोक। आप ये कर सकते हो ऐशन्या, यू कैन डू दिस ऐशन्या। अपनी आदतों को सुधार लो, मेंड योर वेज। मुंह में हाथ रख के खांसो, कॉफ विद अ हैंड। दिखाओ चोट कहां लगी है, शो मी द इंजरी। या फिर हम कह सकते हैं शो मी वेयर यू हर्ट। साफ साफ लिखो, राइट क्लियरली, या फिर राइट लेजिबल। लेजिबल मतलब क्या होता है, जो पढ़ा जा सके, जो पढ़ने लायक हो, साफ साफ दिख रहा हो। बेड पर खाना मत गिराओ, डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर पानी मत गिराओ, डोंट स्पिल द वॉटर ऑन द बेड। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, यू हैव बिकम वेरी स्टर्बन। अटक अटक के मत बोलो, डोंट स्टटर। छत में दौड़ो मत, डोंट रन ऑन द टेरेस। पीछे घूमो,
टर्न बैक, आपका नाम, योर नेम, सोच समझ के बोला करो, स्पीक थॉटफुली या फिर स्पीक सेंसिबली, सोच समझ कर चुनो, चूज थॉटफुली, आने में देर मत करना, डोंट बी लेट इन कमिंग, वो याद रखना, रिमेंबर दैट, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, पास से देखो, लुक क्लोजली, दूर से मत देखो, डोंट लुक फ्रॉम अफार, बात करते रहना, कीप टॉकिंग, डॉक्टर के पास चलो, लेट्स गो टू द डॉक्टर, आपकी तबीयत खराब है, यू आर अनवेल, तुम खेलने के लिए कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू प्ले, मुझे पापा बहुत प्यार करते हैं, पापा लव्स मी वेरी मच, फेंको इसको, थ्रो इट, फेंको इसको डस्टबिन में, थ्रो इट इन टू द डस्टबिन, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम या फिर नो इश्यूज या फिर नो वरीज, इसे दोहराओ, रिपीट दिस, मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी, उठ जाओ, गेट अप या फिर वेक अप, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, अभी करो, डू इट राइट अवे, इसे चखो, टेस्ट दिस, मुझे दो, गिव मी, दिखाओ मुझे, शो मी, मैं जानता हूं, आई नो, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए एक ईबुक में लिखे हैं। इस ईबुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru उसमें जाकर के दूसरा टैब है माय बुक्स, ईबुक्स एंड वेब कोर्सेज, वहां पर जाइएगा, वहां पर ईबुक्स में आपको ये ईबुक मिल जाती है और इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसके सेंटेंसेस से अपने खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और वो भी खुद भी इंग्लिश सीखें और अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखाएं, क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन के टाइम पे इंग्लिश आज हमारी नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टेक केयर, गुड बाय।